हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज आती हैं और क्यों आती हैं। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जो जर्नल एंट्रीज पास आउट की जाती हैं उनको पास करने का क्या प्रोसीजर है और क्या रूल है, ये भी हमने उस वीडियो में देखा था। सो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो का समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशंस में, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसकी कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। सो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ कैलकुलेशंस पार्ट देखेंगे। हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। फर्स्ट हमारे पास होती है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू कंसाइनी। जो कंसाइनी है उसको कमीशन मिलती है, कंसाइनर पे करता है, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की कमीशंस पे करता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्योंकि कैलकुलेशन की अगर अमाउंट रॉन्ग आएगी तो आपका आंसर फाइनली जो आएगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्लोजिंग स्टॉक की। वो स्टॉक जो कंसाइनी नहीं बेच पाया, वो स्टॉक जो अनसोल्ड रह गया पीरियड के एंड में, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी रह गई है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थ्री डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ सकता है नॉर्मल केस। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दिया गया है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करना थोड़ी इजी हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब स्टॉक को सेंड किया जाता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स या स्टॉक सेंड करता है तो उन स्टॉक का कुछ लॉस हो जाता है। जैसे किसी स्टॉक को आग लग गई या चोरी हो गई, तो अगर स्टॉक को कोई लॉस हो जाता है तो तब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे की जाती है, उसको हम कहते हैं अंडर लॉस ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक का कोई लॉस हो जाता है तब क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, ये सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा। थर्ड केस हमारे पास हो सकता है सेलिंग और ट्रांसफरिंग एट हायर प्राइस। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स हायर प्राइस पर सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज़ की, तो कंसाइनर कंसाइनी को 100 रुपीज़ की सेंड करेगा तो वो नॉर्मल केस में आ गया। लेकिन 100 वाली गुड्स वो 125 में सेंड कर रहा है, 125 में सेंड कर रहा है, तो ये आ गया थर्ड केस जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को हायर प्राइस पे गुड्स सेंड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है सेल नहीं कर रहा, सेंड कर रहा है। थर्ड कैलकुलेशन हो सकती है स्टॉक की, कितना स्टॉक हमारा लॉस हुआ। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की तो लॉस भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें बेसिकली हमने लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना हमें लॉस हुआ और लॉस वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशंस आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। कमीशन की कैलकुलेशन करने से पहले हम कंसाइनर का अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने वो दो अकाउंट कवर नहीं किए थे। सो जिन स्टूडेंट्स को वो अकाउंट नहीं बनाने आते या उनके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज पास आउट नहीं करनी आती उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और जिनको कमीशन कैलकुलेट करनी नहीं आती वो भी ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट में इसमें कवर करूंगा। सो ये हमारे पास कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसाइनर का अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है। सो हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जिनकी बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं वो अपना ही अकाउंट नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल अगर कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को, तो वो अपना ही अकाउंट क्यों बनाएगा,
इधर हम किसी कंसाइनर का नेम लिख लेते हैं, समझ लो कि आर पर्सन जो है वो कंसाइनर है। आर ने गुड्स सेंड की एस को, तो आर हमारा हो गया कंसाइनर और एस हमारा हो गया कंसाइनी। तो कंसाइनर आर अपनी बुक्स में अपने ही नाम का अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा, ये आपको प्लस वन में सिखाया जाता है। सो इसका मतलब आर का अकाउंट एस प्रिपेयर करेगा, आर खुद अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी ही बुक्स हैं। वो अपनी ही बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, वो अपनी बुक्स में बाकी सभी पर्सन्स का अकाउंट बनाएगा। सो इसका मतलब कंसाइनर अकाउंट कंसाइनी बनाता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास है एस। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी हमारे पास कौन है? एस। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पर्सन की बुक्स हैं वो अपना ही अकाउंट नहीं बनाता। सो इसका मतलब कंसाइनी अकाउंट बनाएगा कंसाइनर का और कंसाइनर अकाउंट बनाएगा कंसाइनी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि कंसाइनर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है उसके रिगार्डिंग ही जर्नल एंट्रीज पास आउट की जाएंगी और उसी की हेल्प से हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। फर्स्ट है रिसीविंग गुड्स प्राइस कैश। इसका मतलब है कि जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड की, सेंड करने की ट्रांजैक्शन हम कंसाइनमेंट अकाउंट में मेंटेन करते हैं, सो उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। गुड्स सेंड करने के बाद जब कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दी मार्केट में, तो इसको पेमेंट की जाएगी कैश में। सो वो कैश रिसीव करने की ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड की, सेंड करने के बाद जब कंसाइनी ने उसको सेल कर दिया मार्केट में, तो उसका कैश जो कंसाइनी को मिलेगा वो कंसाइनी का नहीं है क्योंकि वो तो एज एन एजेंट वर्क कर रहा था। जो भी उसको कैश रिसीव हुई वो कंसाइनर की है, इसलिए वो कंसाइनर को पे कर देगा। पे करने का मतलब कंसाइनर को रिसीव हो रही है, इसलिए कंसाइनर के अकाउंट में रिसीविंग की एंट्री आएगी। सेकंड हमारे पास है पेइंग कमीशन। कंसाइनर ने कंसाइनी को हायर किया गुड्स को सेल करने के लिए। सो इसका मतलब कंसाइनी जो है वो एक तरह का एजेंट है जो कि गुड्स सेल करेगा, और वो फ्री में नहीं करेगा, इसके बदले में कमीशन लेगा। सो इसलिए कंसाइनर को कमीशन की पेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड हमारे पास आता है पेइंग एक्सपेंसेस। अब गुड्स को सेंड करने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे कंसाइनर पे करेगा, चाहे वो कंसाइनर ने पे किए हों चाहे वो कंसाइनी ने पे किए हों, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो कंसाइनर को ही पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल गुड्स को सेंड करने में जो कैब के हायरिंग चार्जेस लगे, जिस गाड़ी में गुड्स को सेंड किया होगा उसके चार्जेस जो लगे वो कंसाइनर ने पे किए, तो उसकी लायबिलिटी तो कंसाइनर की ही है। लेकिन जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे किए गुड्स को रिसीव करने के लिए, रास्ते में उसने उसकी इंश्योरेंस करवाई या और भी कोई चार्जेस दिए, अगर वो कंसाइनी ने दिए हैं तो उसके लिए कंसाइनर ही लायबल है। इसलिए पेइंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? दोनों एक्सपेंसेस, जो उसने खुद पे किए हैं और दूसरे जो कंसाइनी ने पे किए हैं। लास्ट हमारे पास आता है बियरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अब गुड्स सेंड कर दी हैं तो कंसाइनी सेल करेगा, सेल करने पर वो कैश में भी सेल कर सकता है, क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है। अगर क्रेडिट पर सेल करने पर बैड डेट्स हो जाते हैं, किसी की पेमेंट रिसीव नहीं होती, तो इसके लिए लायबल जो है वो कंसाइनर होगा, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की जाती। अगर पूरी स्टेटमेंट में आपको नहीं बताया जाता कि बैड डेट के केस में कौन लायबल होगा, तो कंसाइनर को ही हम लायबल मानेंगे। सो ये चार तरह की मेन ट्रांजैक्शंस हैं जो कंसाइनर के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी साइड रिकॉर्ड की जाएंगी, डेबिट या फिर क्रेडिट। सो जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था, वैसे ही कंसाइनर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हमें सिर्फ इतना पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी बुक्स हैं हमें उसका व्यू पॉइंट नहीं यूज़ करना। सो यहाँ पर हमारे पास
कंसाइनी की बुक्स हैं, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाया जा रहा है, लेकिन हमें कंसाइनर का व्यू पॉइंट देखना है, कंसाइनर का व्यू पॉइंट देखना है कि कंसाइनर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ये इम्पोर्टेंट है, एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रॉफिट या फिर लॉस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर वो लॉस होगा तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किसके व्यू ऑफ पॉइंट से हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। सो इसका मतलब है कंसाइनर का व्यू पॉइंट देखना है। अगर कंसाइनर के लिए इन सभी में से कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की है तो वो क्रेडिट साइड आएगी, और अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन लॉस की है तो वो डेबिट साइड आएगी। सो सबसे पहले कंसाइनर को पेमेंट मिल रही है, रिसीव हो रही है कैश में, तो ये उसके लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी। ऐसे ही कंसाइनर को कमीशन पे करनी पड़ रही है, लॉस है पेमेंट करना इसलिए डेबिट साइड आएगी। एक्सपेंसेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो उसने खुद बियर किए हों, चाहे वो कंसाइनी ने बियर किए हों, क्योंकि पेमेंट उसको करनी पड़ती है, उसके लिए लॉस है इसलिए ये भी डेबिट साइड आएगा। और लास्ट में अगर रिस्क कंसाइनर को बियर करना पड़ता है तो वो भी लॉस है इसलिए डेबिट साइड आएगा। सो ये रहा हमारे पास फाइनल कंसाइनर का अकाउंट, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। जो कैश में पेमेंट रिसीव हो रही है वो इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड, कमीशन पेमेंट की, कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस पे किए, और कंसाइनमेंट के डेट्स बियर किए, बैड डेट्स के, सो उसकी अमाउंट। लास्ट में हमें सिर्फ बैलेंस करना होगा, जिस तरफ बैलेंस आएगा उस तरफ हम मेंशन कर देंगे। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, किसके व्यू ऑफ पॉइंट से किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसकी बुक्स हैं उसका व्यू ऑफ पॉइंट हमें नहीं देखना है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। जिसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके व्यू ऑफ पॉइंट से हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पास आउट करने का सिंपल वे है, कंसाइनर का अकाउंट है, कंसाइनर के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, कंसाइनर का यहाँ पर नेम आएगा। हमारे केस में कंसाइनर था आर, तो हम यहाँ पर आर लिख देंगे, आर अकाउंट डेबिट जितनी भी अमाउंट होगी। क्रेडिट किसको करेंगे, इन सभी चीज़ों को, टू कमीशन, टू कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, टू कंसाइनमेंट बैड डेट्स, इनकी भी अमाउंट आ जाएगी। जो अमाउंट इन तीनों को प्लस करने पर आएगी वही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो जर्नल एंट्री पास आउट करना बहुत ही ईजी है अगर आपके लेजर जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। ऐसे ही कंसाइनर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो हम कंसाइनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे कैश को, कैश रिसीव हो रही है सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंसाइनर हमारा यहाँ पर आर है तो आर मेंशन कर देंगे, जितनी कैश रिसीव होएगी उसकी एंट्री आ जाएगी। जिस तरह से हमने कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर किया, ऐसे ही हमें कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं। सो ये हमारे पास कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा, कंसाइनर हमारे केस में था आर, सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आर। अब कंसाइनी कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो देख लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। यहाँ पर भी हम जिसका अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब कंसाइनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट या क्रेडिट साइड अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है गिविंग कैश जनरेटेड बाय सेलिंग। अब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड की थी, गुड्स सेंड करने पर जो अमाउंट कंसाइनी को रिसीव हुई वो अमाउंट वो सेंड करेगा कंसाइनर को, क्योंकि वो कंसाइनर की है। सो सबसे पहले एंट्री आएगी कैश को सेंड करने की। सो कंसाइनी कैश को सेंड कर रहा है इसलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी कैश को सेंड करने के लिए। सो कैश को सेंड कर रहा है तो उसके लिए वो लॉस हो गया, चाहे वो उसको पता था कि कैश उसकी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही सही उसके पास कैश तो आई,
अब जो वो कैश आई है क्योंकि वो उसकी नहीं है उसको देनी पड़ेगी, इसलिए ये उसका लॉस है, तो लॉस को हम डेबिट कर देंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको डिटेल में पता लग जाए, कभी भी आप भूल ना पाएं कि डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डेबिट साइड पता करने का यही एक तरीका है कि आप इसको लॉस समझ लें। एक्चुअल में ये उसके लिए लॉस नहीं है क्योंकि उसको पता था ये कैश उसकी नहीं है। सो ये सिर्फ एक लर्न करने का वे है। सेकंड हमारे पास आता है रिसीविंग कमीशन। अब आर को कमीशन पे करनी है एस को, आर कमीशन पे कर रहा है, इसका मतलब कंसाइनर के लिए तो लॉस है लेकिन कंसाइनी के लिए वो इनकम है क्योंकि उसको कमीशन रिसीव हो रही है। इनकम है इसलिए कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिविंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। इसमें भी सेम, अगर रिस्क कौन बियर करेगा ये मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कंसाइनर बियर करेगा। सो कंसाइनर बियर करेगा इसका मतलब कंसाइनी को जो रिस्क हुआ था बैड डेट का वो उसका नहीं है, वो कंसाइनर का है। तो जो लॉस कंसाइनी को हो रहा था अब वो नहीं होगा, इसलिए ये उसके लिए फिर प्रॉफिट हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, वो लॉस जो कंसाइनी का था लेकिन वो अब नहीं रहा क्योंकि कंसाइनर बियर करेगा उस लॉस को, तो लॉस डिक्रीज होना एक तरह का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। अगर यही रिस्क एस को बियर करना पड़ता, मतलब कंसाइनी को बियर करना पड़ता, तो ये उसके लिए लॉस होता, तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग कैश फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। अभी मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेंसेस कोई भी बियर करे, दोनों पार्टीज में से कोई भी एक्सपेंस बियर करे, सारा का सारा एक्सपेंस कंसाइनर को ही पे करना पड़ता है लास्ट में। सो इसका मतलब जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने बियर करे हैं वो सभी के सभी एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करेगा। सो इसका मतलब कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करेगा कंसाइनी को क्योंकि कंसाइनी ने पेमेंट की थी। सो उसको रिसीव हो रही है बिहाफ पे। जो एक्सपेंसेस एस ने किए थे, कंसाइनी ने किए थे गुड्स को रिसीव करने से पहले, वो एक्सपेंसेस आर बियर करेगा, आर पे करेगा। सो इसका मतलब आर एक्सपेंसेस पे कर रहा है एस को। सो एस के लिए इनकम है क्योंकि उसको एक्सपेंसेस रिसीव हो रहे हैं, तो इनकम को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो डेबिट साइड हमारी फर्स्ट अमाउंट आएगी वो है कैश की पेमेंट करना। सो ये हमारे पास कंसाइनी अकाउंट, जिसमें हमारे पास आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। सेल्स का मतलब है कि जो अमाउंट सेल करने पर रिसीव हुई कंसाइनी को उसकी पेमेंट कर दी गई है। ऐसे ही कंसाइनमेंट में जो कमीशन रिसीव हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट्स जो बियर कंसाइनर करेगा, लास्ट में जो एक्सपेंसेस कंसाइनी को मिले जो कंसाइनर ने पे किए। अमाउंट लिखने के बाद लास्ट में बैलेंस करेंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड जो आएगी वहां पर मेंशन कर देंगे। सो ये हमारे पास था कंसाइनी अकाउंट। इसमें भी जर्नल एंट्रीज पास आउट करना सिंपल है। ये हमारा कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनी का नेम है एस। सो एस के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों किया? क्योंकि उसने पेमेंट की है सेल्स की। टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, जितनी अमाउंट होगी वो मेंशन कर देंगे। ऐसे ही कंसाइनी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसको कमीशन मिली, बैड डेट्स उसने बियर नहीं किए, एक्सपेंसेस जो बियर किए थे उसकी इनकम मिल गई है। सो एस के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि उसको पेमेंट मिल चुकी है। किस चीज़ की? कमीशन की। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट के बाहर, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट्स, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, तीनों के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जितनी अमाउंट आएगी उसको टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। सो जनरल एंट्रीज पास आउट करना बहुत ही ईजी है अगर आपका लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। सिर्फ आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए ये ट्रांजैक्शंस को याद रखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कंसाइनर की हैं और कौन सी कंसाइनी की हैं। सो ये था हमारे पास कंसाइनर कंसाइनी का अकाउंट और उनकी जर्नल एंट्रीज। अब हम शुरू करते हैं कमीशन की कैलकुलेशन।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारे पास कमीशन की फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन में जब आपको कमीशन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तब आपको टाइप नहीं बताई जाएगी कि ये ऑर्डिनरी है या कौन सी कमीशन है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करके पता कर लेना है कि ये किस टाइप की कमीशन है और कमीशन को कैलकुलेट कर लेना है। कमीशन कैलकुलेट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको इंग्लिश ईजिली समझ आ जाती है, क्योंकि कमीशन को कैलकुलेट करना आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है आप उसको कितनी अच्छी तरह समझ पाए हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कमीशन आपको किसी भी तरह कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, बस आपको उसको प्रॉपर मीनिंग में अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कमीशन भी आपकी इजीली कैलकुलेट हो सकती है अगर आपको उनकी बताई गई स्टेटमेंट समझ आ गई। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। अ फिक्स्ड कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। अब ये एक तरह की फिक्स्ड कमीशन अमाउंट है जो कैलकुलेट की जाती है सेल्स के बेसिस के ऊपर, कितनी गुड्स कंसाइनी ने सेल की हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कंसाइनी ने 100 गुड्स सेल की हैं और उसका सेलिंग प्राइस 100 है तो इसका मतलब 10,000 के ऊपर उसको कमीशन मिलेगी। कमीशन 10% 5% जितनी मर्जी हो सकती है, एग्जांपल ले लेते हैं 10% की। सो 10% के अकॉर्डिंग उसको कमीशन मिल जाएगी 1,000 रुपीज़। सो ये फिक्स्ड कमीशन है जो कि उसको सेलिंग जो उसने की है उसके बेसिस के ऊपर मिल जाएगी। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट टाइप डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा कमीशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। सो जैसे कि हमने कंसाइनर कंसाइनी का अकाउंट बनाते हुए देखा था कि बैड डेट का रिस्क आ सकता है कंसाइनमेंट में। सो वो कौन बियर करेगा ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। सो अगर स्टेटमेंट में डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कहा गया है तो इसका मतलब बैड डेट का रिस्क जो है वो कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनर नहीं। सो ये एक तरह की एक्स्ट्रा कमीशन है रिस्क को बियर करने के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर कंसाइनी क्रेडिट बेसिस के ऊपर कोई सेल्स करता है और उस क्रेडिट बेसिस सेल्स के ऊपर उसको कोई बैड डेट हो जाता है तो उसका रिस्क कंसाइनर बियर नहीं करेगा, कंसाइनी बियर करेगा। क्यों बियर करेगा? क्योंकि कंसाइनर ने उसको इस लॉस को बियर करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन दी है और उस एक्स्ट्रा कमीशन को हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ओवरराइडिंग कमीशन। ये हमारे पास लास्ट टाइप की कमीशन है। टाइप्स करने के बाद हम इसके दो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग आपको कैलकुलेशंस के बारे में पता चलेगा और कॉम्प्लेक्सिटी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। थर्ड हमारे पास है ओवरराइडिंग कमीशन। अब ओवरराइडिंग कमीशन नेम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रा कमीशन, लेकिन ये एक्स्ट्रा कमीशन रिस्क बियर करने के लिए नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा कमीशन होगी फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर कंसाइनी मार्केट में फॉर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेल की जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़ और उसने ये डायरेक्शन दी कि इसका सेलिंग प्राइस मार्केट में होना चाहिए 125, मतलब मार्केट में इसको 125 का सेल करना है, उससे नीचे का सेल नहीं करना, और कंसाइनी जो है उसको सेल कर देता है 150 में। सो इसका मतलब कंसाइनी ने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और उसको ज़्यादा प्राइस पर सेल किया। सो इस केस में अगर स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगी तो इसका मतलब उसको 25 रुपीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी हर यूनिट के हिसाब से। लेकिन अगर ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा फिर भी वो एक्स्ट्रा सेल करता है, एक्स्ट्रा प्राइस पर सेल करता है, तो उसको कमीशन कोई नहीं मिलेगी क्योंकि इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि ओवरराइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन होती है लेकिन ये रिस्क बियर करने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए होती है और
ये तभी दी जाती है जब इसके बारे में स्टेटमेंट में मेंशन किया जाएगा। सो ये हमारे पास थी 3 टाइप्स। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो ये हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कमीशन कैलकुलेशन। कमीशन को कैलकुलेट करते वक्त आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्वांटिटी सोल्ड बाय कंसाइनी। सो इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है कंसाइनी ने, उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट की जाएगी, जितनी उसको रिसीव हुई है उसके ऊपर नहीं। एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 यूनिट सेल की हैं तो इसका मतलब उसको 100 के ऊपर कमीशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी उसने सेल की होंगी मार्केट में उसके ऊपर कमीशन मिलेगी। अगर उसने 80 सेल की हैं तो इसके ऊपर कमीशन मिलेगी। अगर उसने 95 सेल की हैं तो इसके ऊपर कमीशन मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट आपको ये रिमेंबर रखना है कि कमीशन जो है वो गुड्स सोल्ड कितनी की गई हैं कंसाइनी के द्वारा उसके ऊपर मिलेगा। सेकंड हमारे पास है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट के ऊपर हम कभी भी कमीशन कैलकुलेट नहीं करते, जो सेलिंग प्राइस होगा उसके ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को जो 100 गुड्स सेंड की हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, तो इसका मतलब 100 के ऊपर उसको कमीशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसको कमीशन मिलेगी जितने की उसने सेल की होंगी। अगर उसने 150 की सेल की हैं तो 150 के ऊपर उसको कमीशन मिलेगी, और अगर उसने 125 की सेल की हैं तो इसके ऊपर कमीशन मिलेगी। कमीशन को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सिंपल है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर उसने 80 गुड्स सेंड की हैं अगर 80 गुड्स सेल की हैं और 150 पर सेल की है एक गुड, तो 80 × 150 जितनी अमाउंट आएगी उसके ऊपर कमीशन मिल जाएगी। ऐसे ही अगर उसने 80 गुड्स सेल की हैं और एक गुड का सेलिंग प्राइस है 125, तो इसकी जितनी अमाउंट आएगी उसके ऊपर उसको कमीशन दे दी जाएगी। सो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स देख लिए। फर्स्ट हमारे पास है कि कमीशन हम गुड्स रिसीव जितनी होती हैं कंसाइनी को उस पर कैलकुलेट नहीं करते, जितनी वो सेल करता है मार्केट में उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हमें पता लगा कि जो सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट बेसिस के ऊपर नहीं। थर्ड हमारे पास है, इफ़ नथिंग मेंशनड डेल क्रेडिट कमीशन इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स नॉट ऑन क्रेडिट सेल्स। अब हमने डेल क्रेडिट कमीशन में देखा था कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिलती है तो इसका मतलब जो रिस्क होगा वो कंसाइनी बियर करेगा, साइनर नहीं। सो अगर डेल क्रेडिट कमीशन आ जाती है और कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर देनी है, कैश सेल्स के ऊपर देनी है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर देनी है या टोटल सेल्स के ऊपर देनी है, अगर हमें नहीं बताया जाता कुछ भी तो टोटल सेल्स के ऊपर ही हम उसको कमीशन देंगे। हमें पता है कि डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो क्रेडिट सेल्स के ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट सेल में ही रिस्क होता है कि बैड डेट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स या फिर डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर दी जाए, टोटल सेल्स के ऊपर दी जाए, कैश के ऊपर दी जाए या फिर क्रेडिट सेल्स के ऊपर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, तो हम टोटल कमीशन जो है वो टोटल सेल प्राइस पर देंगे, जितनी गुड्स हमने सेल की होंगी, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। इसको डिटेल में हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, ऐसा पॉइंट हमने क्वेश्चन में लिखा है। लास्ट हमारे पास आता है, कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स। जितनी मार्केट में सेल्स की गई हैं उसके ऊपर ही कमीशन कैलकुलेट की जाएगी, जो सेल नहीं हुई उसके ऊपर कमीशन नहीं पे की जाएगी। सेम एग्जांपल है, अगर 100 की गुड्स सेंड की हैं और उसमें से 80 सेल हुई हैं तो 80 के ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा, जो बाकी बैलेंस है 20 क्लोजिंग स्टॉक उसके ऊपर कमीशन ना ही कैलकुलेट किया जाएगा और ना ही पे किया जाएगा। सो ये 4 कुछ पॉइंट्स थे, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
जिसमें हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने पॉइंट्स हो सकते हैं कमीशन के वो सभी कवर किए हैं। अब इनको सॉल्व करते हुए हम हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ए ऑफ बेंगलोर सेंड आउट 250 यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 ईच टू बी ऑफ चेन्नई। सो ए कंसाइनर है जिसने कि गुड्स सेंड किए हैं, वो बेंगलोर में रहता है। उसने 250 यूनिट्स सेंड किए हैं जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। सेंड किसको किए हैं? बी को, जो कि चेन्नई में रहता है। सो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे वैसे इसको एक रफ पेज पे लिख दे जाते हैं ताकि हमें बार बार स्टेटमेंट को रीड करना ना पड़े। सो ए हमारा कंसाइनर है, उसने गुड्स सेंड किए हैं बी को, जो कि कंसाइनी है। 250 यूनिट्स सेंड किए हैं और 1000 उसकी कॉस्टिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है द गुड्स वर टू बी सोल्ड सो एज टू यील्ड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब ए ने बी को ये डायरेक्शन दी है कि जो गुड्स मैंने आपको सेंड किए हैं उसको मार्केट पे सेल करना है 20% प्रॉफिट पर। सो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम देख लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट दिया गया है और किसके ऊपर दिया गया है। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है 20% ऑन सेल्स। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 20% ऑन सेल्स। अब कैलकुलेशन करना इतनी ईजी नहीं है, आपको ये समझना होगा कि आपको 20% कैलकुलेट करना है सेल्स के ऊपर, लेकिन आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो दिया ही नहीं हुआ तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना चार्ज करेंगे। सो सिंपल है, अगर हमें कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पर जाना होता है तो हम इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। ऐसे ही अगर हमें सेल्स से कॉस्ट पर जाना हो तो इसमें से हम प्रॉफिट लेस कर देंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो हमारा सेल्स आ जाएगा। ऐसे अगर सेल्स में से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें एक्चुअल में कॉस्ट दी गई है लेकिन हमें कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है सेल्स के ऊपर। सो इसका मतलब हमें सेल्स में से जाना पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर। सो 20% का मतलब है 20/100, इसको कैंसिल करके लिख देंगे 1/5। सो ये हमारे पास आ गया सेल्स। सेल्स से हमें जाना है कॉस्ट पर। सो इसका मतलब हम माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करेंगे हम? 1 ही क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी उसको हम डिनोमिनेटर में से डिडक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया 1/4। सो इसका मतलब 1000 जो कि था कॉस्ट, इसका 1/4 हमें होना चाहिए प्रॉफिट। 1/4 हमारे पास आ जाएगा 250। सो 250 का मतलब है कि 1000 की हमें कॉस्ट पड़ती है और 250 हमारा होना चाहिए प्रॉफिट। तो इसका मतलब बी जो कि चेन्नई में रहता है वो गुड्स को 1250 में सेल करेगा, मतलब 1250 में सेल करेगा। सो ये कैलकुलेशन समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। अगर आपको कॉस्ट दी जाती है जैसे कि हमें यहाँ पर दी गई थी और कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है सेल्स के ऊपर, तो आप सेल्स से कॉस्ट पर जाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको जितना परसेंट दिया होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू ऊपर आएगी उसमें से डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट क्यों करना है? क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट पर जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमारे पास 2/5 आ जाता तो हम नीचे 2 माइनस करते, ऑलवेज 1 नहीं करना। जो हमें ऊपर आएगा वही नीचे हम डिनोमिनेटर में से डिडक्ट करेंगे। सो इसका मतलब अब हमें दो लाइनें जो दी गई हैं उसका मीनिंग हमें पता लग चुका है। पहले में हमें पता लगा कि 250 गुड्स सेंड किए हैं जिसकी कॉस्ट 1000 है, और सेकंड में पता चला कि बी जो है वो चेन्नई में गुड्स सेंड करेगा 1250 की। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर बी जो कि चेन्नई में रहता है, सोल्ड 150 यूनिट्स।
एट द रेट ₹1420। सो उसको सेल करने को कहा गया था 1250 पर, लेकिन उसने सेल की है 1420 पर। सो ये उसका माइंड होगा या उसका होगा, उसने सेल की है पर्सनल एफर्ट से। सो जितने की भी सेल की है, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें उसे यूज़ करना है बस। सो 150 उसने सेल की है यूनिट्स 1420 की क्रेडिट बेसिस के ऊपर, और 75 यूनिट्स सेंड की है 1400 की कैश बेसिस के ऊपर। सो इसका मतलब 150 प्लस 75, तो उसने टोटल गुड्स सेल किए हैं 225। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो मिस्टर बी है उसने गुड्स सेल किए हैं 150 उसने सेल किए हैं 1420 की, जो कि क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 213,000। ऐसे 75 उसने सेल किए हैं 1400 की, जो कि कैश बेसिस के ऊपर है, इसकी अमाउंट आएगी 105,000। सो टोटल उसने सेल कर दी हैं 318,000 की, और बैलेंस उसके पास 25 यूनिट्स पड़ी हैं, जो कि क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। सो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशंस करनी है कमीशन की। फर्स्ट हमारे पास आता है, इफ़ मिस्टर बी इज़ इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹50 पर यूनिट। अब पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको ₹50 मिलेंगे, जितने उसने सेल किए होंगे। सो ये कैलकुलेशन सिंपल है कमीशन कैलकुलेशन की। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि बी ने कितनी गुड्स या कितनी यूनिट्स सेल की हैं। सो हमें पता है कि बी ने 225 यूनिट सेल की हैं, और हर एक यूनिट के ऊपर उसको ₹50 मिलेंगे, तो इसका मतलब टोटल कमीशन उसकी आ गई ₹11,250। सो सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी इफ बी इज इंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5%। अब बी को 5% कमीशन मिलेगी, किसके ऊपर मिलेगी हमें नहीं बताया गया। ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगी, 5% मिलेगी, किसके ऊपर मिलेगी? सो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस ही लेते हैं, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स देखे थे रिमाइंड करने वाले, उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी गुड्स उसने सेल की होंगी उसके सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग उसको कमीशन मिल जाएगी। सो सिंपल है, बी ने 225 यूनिट सेल की हैं, उसमें से 150 सेल की हैं क्रेडिट के ऊपर, और 75 सेल की हैं कैश के ऊपर, और दोनों को मिलाकर उसको कितने पैसे रिसीव हुए थे, मतलब कितनी मनी रिसीव हुई थी, 318,000। सो 318,000 उसने रिसीव किया था गुड्स को सेल करने पर। अब इसके ऊपर उसको 5% कमीशन दी जाएगी, सो 5% इसकी अमाउंट आएगी 15,900। सो ये भी सिंपल कैलकुलेशन थी, सिर्फ 5% हमने अप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस मतलब टोटल यूनिट्स का जो हमने कैलकुलेशन की थी, 318,000। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ बी इज इंटाइटल टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2%। अब उसको ऑर्डिनरी कमीशन भी मिलेगी, डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलेगी। सो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उसको ऑर्डिनरी कमीशन हमने पेमेंट करनी है, सो सी केस हमारे पास है। अब ऑर्डिनरी कमीशन किसके ऊपर पे की जाए ये हमें नहीं बताया गया, इसका मतलब अगेन जो उसने 225 यूनिट्स सेल की 318,000 की, उसके ऊपर 5% उसको कमीशन मिल जाएगी, अमाउंट अगेन आ जाएगी 15,900। और सेकेंड हमें कहा गया डेल क्रेडिट कमीशन। अब जब हम पॉइंट्स टू रिमेंबर कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि डेल क्रेडिट कमीशन के साथ अगर कुछ नहीं लिखा जाता, ना ही लिखा गया कैश के साथ कमीशन मिलेगी, ना ही हमें बताया गया कि क्रेडिट सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगी, हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ इतना कह दिया गया है कि उसको डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलेगी, जो कि है 2%। 2% किसका? 2% ऑन क्रेडिट सेल्स, 2% ऑन कैश सेल्स, 2% ऑन टोटल सेल्स। सो कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम टोटल सेल्स के ऊपर ही डेल क्रेडिट कमीशन भी कैलकुलेट कर देंगे। सो 318,000 के ऊपर हम 2% अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 6,360। सो टोटल उसको मिलेंगे 22,260 रुपीज़।
सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो टोटल जितनी अमाउंट उसको सेल करने पर रिसीव हुई है उसके ऊपर आप कमीशन लगा देंगे। नेक्स्ट हम ई पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गए थे। ई पॉइंट हमारे पास है इफ बी इज इंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल्स। अब यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि क्रेडिट सेल्स के ऊपर उसको कमीशन मिलेगी, तो इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स है उसके ऊपर ही हम कमीशन अप्लाई करेंगे। ये हमारा ई पॉइंट है। सबसे पहले उसको ऑर्डिनरी कमीशन पे करेंगे, 318 के ऊपर ही करेंगे क्योंकि कुछ नहीं बताया गया। ये आ जाएगी 15,900। अब क्रेडिट सेल्स कितनी की गई थी हमें वो पता होनी चाहिए जो हमने बिगनिंग में कैलकुलेट की थी। सो ये उसकी क्रेडिट सेल्स हैं 213,000। 213,000 के ऊपर उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगी 2%। सो क्रेडिट सेल्स हमारे पास हैं 213,000, उसके ऊपर उसको मिलेगी 2%। सो ये हमारे पास आएगी 4,260। टोटल हमारे पास आ जाएगा 20,160। सो ये होगी उसकी टोटल कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमारे पास है डी। इफ बी इज इंटाइटल टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5%, सो ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगी 5%, डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगी 2%। अब डेल क्रेडिट कमीशन 2% मिलेगी किसके साथ मिलेगी ये नहीं बताया गया, तो इसका मतलब टोटल सेल्स के ऊपर हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंड एन ओवरराइडिंग कमीशन ऑफ 25% ऑन एनी सरप्लस रिसीव्ड अबव द स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। सो इसका मतलब है अब उसको डेल क्रेडिट कमीशन तो मिलेगी लेकिन जो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हायर प्राइस पर गुड्स सेल की उसके ऊपर भी उसको कमीशन मिलेगा 25%, क्योंकि कंसाइनर जो है उसने कहा था कि 1250 की गुड्स सेल करनी है लेकिन कंसाइनी ने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और उसने गुड्स जो हैं 1420 और 1400 की सेल की। सो एक्स्ट्रा जो सेल की उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो सेल की उसके ऊपर उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगी 25%। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिट कमीशन हमारी सेम आ जाएगी। ये हमारे पास डी केस है। ऑर्डिनरी कमीशन अगेन हमारे पास 318,000 के ऊपर 5% अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 15,900। डेल क्रेडिट कमीशन जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया तो 318,000 के ऊपर ही हम 2% अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 6,360। इसका टोटल आ जाएगा 222,60। नेक्स्ट अब हमें ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करनी है। ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसने कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज की कस्टमर से। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1250 की सेल करनी थी जो हमने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस कि मार्केट में बी को 1250 की सेल करनी चाहिए थी लेकिन उसने कितने की सेल की 1420 की और 1400 की। 1420 की उसने सेल की 150 यूनिट्स। सो इसको देख लेते हैं। सो 1420 की उसने सेल करनी चाहिए थी 1250 की। सो इसका मतलब उसने 170 अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से अर्न किए। कितने यूनिट्स के ऊपर अर्न किए 150 के ऊपर क्योंकि उसने 1420 सेल की 150 गुड सेल की 1420 पर। सो इसीलिए हमने 150 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा प्राइस से। ऐसे ही नेक्स्ट उसने 1400 की गुड्स सेल की जबकि उसको सेल करनी चाहिए थी 1250 की। सो एक्स्ट्रा उसने अर्न किए 150। कितनी गुड्स के ऊपर अर्न किए 75 के ऊपर क्योंकि उसने 1400 की सेल की 75 गुड्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। सो इसकी जो अमाउंट आई और इसकी जो अमाउंट आई इसको ऐड करने पर जो अमाउंट हमारे पास आएगी फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगी 25,500। यहाँ पर हमारे पास आएगी 11,250।
सो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36750। तो उसने अपने एफर्ट से, बी ने अपने एफर्ट से 36750 एक्स्ट्रा अर्न किए, तो इसके ऊपर उसको 25% की कमीशन मिल जाएगी। सो ये हमारी 25% आएगी 9187.5। सो इसको हम ऐड कर देंगे अपनी कमीशन में। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे जो हमने पेज पे की है। सो हमारी अमाउंट आएगी 9187.5। सो दोनों को ऐड करने पर हमारी टोटल कमीशन हो गई 31447.5। सो ये कमीशन उसको दी जाएगी। सो यही एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशंस करना तो इजी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आएगा एफ। इफ बी इज इंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ ₹50 पर यूनिट। अब यहाँ पर फिर से पर यूनिट आ गया। डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2%, डेल क्रेडिट कमीशन 2% मिलेगी, लेकिन किसके ऊपर मिलेगी नहीं पता, इसलिए टोटल जो हमने गुड्स सेल की उसके ऊपर हम 2% लगाएंगे। एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 25% ऑन सरप्लस ओवर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से एक्स्ट्रा जो भी एफर्ट से कंसाइनी ने गुड्स सेल की हैं उसके ऊपर 25% उसको मिलेगा। सो यहाँ पर चेंज सिर्फ यूनिट्स का है, बाकी सेम कैलकुलेशंस हमारी वही रहेंगी। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं एफ। हमने सोल्व किया, अब 225 यूनिट्स उसने सेल की हैं और हर एक यूनिट के ऊपर उसको ₹50 मिलेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 11,250। डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब 318,000 के ऊपर हम 2% अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,360। नेक्स्ट ओवरराइडिंग कमीशन हमें सेम वैसे ही कैलकुलेट करनी है। 150 उसने यूनिट सेल की थी जिसके ऊपर उसको 170 एक्स्ट्रा प्राइस मिला था, ऐसे 75 उसने सेल की थी जिसके ऊपर उसको 150 एक्स्ट्रा प्राइस मिला था। इसको ऐड करने पर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम 25% लगाएंगे, तो सेम अमाउंट हमारी आ जाएगी 9187.5। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कमीशन आ जाएगी। सो टोटल कमीशन हमारे पास आएगी 26797.5। लास्ट हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको हम देख लेते हैं। इफ बी इज इंटाइटल टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 50 पर यूनिट प्लस, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले हमने जो इसको करना है उसको देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है जी, कमीशन कैलकुलेट करनी है। जितनी गुड्स या जितनी यूनिट्स उसने सेल की मल्टीप्लाई 50, क्योंकि हर यूनिट का उसको 50 मिलेगा, प्लस 1/5 ऑफ ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड्स अ सम कैलकुलेटेड एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस अबव द स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। सो ये जो लाइन है ये आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल कमीशन जो है जी केस के लिए, टोटल कमीशन जो है वो पे की जाएगी एक्स। सो इन्होंने कहा है 1/5 ऑफ सेलिंग प्रोसीड्स। सेलिंग प्रोसीड्स मतलब कितनी सेलिंग प्रोसीड्स आई, जब कंसाइनी ने गुड्स सेल की तो उसको कितनी अमाउंट रिसीव हुई, तो उसको अमाउंट रिसीव हुई है 318,000। 1/5 ऑफ 318,000 माइनस कमीशन देयर ऑन, कमीशन हमें कितनी देनी पड़ेगी वो हमें नहीं पता इसलिए एक्स। इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट जो कि स्पेसिफिकली कैलकुलेटेड होगी, मतलब
225 यूनिट सेल की हैं और उसको ये सेल करनी चाहिए थी 1250 की। सो इसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 281,250। सो यही स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, प्लस 1/5 ऑफ ग्रोस सेल्स प्रोसीड्स, ग्रोस सेल्स प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन। टोटल कमीशन कितनी देनी है वो लेस करेंगे, नहीं पता इसलिए एक्स। एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस अबव द स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए उसका हम डिफरेंस लेंगे एक्चुअल से। एक्चुअल सेलिंग प्राइस इतना है और उसका हमने डिफरेंस लिया, एक्सीडिंग का मतलब हम डिफरेंस लेंगे सेलिंग प्राइस। सो ये एक्चुअल है और ये जितना होना चाहिए था। सो इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। एक्स की वैल्यू का मतलब कमीशन कितनी पे करनी है ये पता लग जाएगी। वैसे तो ऐसा पॉइंट आपको नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कोई भी पॉइंट डिस्कस करने के लिए आपको दे सकते हैं। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 11,250 प्लस 318,000 में से हम माइनस कर देंगे 281,250, तो हमारे पास आ जाएगा 36,750। इसमें से माइनस कर देंगे x। LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट आ जाएगी 56,250 प्लस 36,750 माइनस x। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 5x 56,250 प्लस 36,750 माइनस एक्स। अब ये एक्स की इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगी, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 93,000। ये हमारा हो जाएगा 6x, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,500। सो कमीशन कितनी पेमेंट की जाएगी, 15,500 जो कि आंसर है। सो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट, उनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की और कमीशन की डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे करनी है उसके बारे में भी पता लगाया। इसको देखकर आपको भी पता लग गया होगा कि कमीशन कैलकुलेट करना आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी तरह समझ आती है। अगर आपको इंग्लिश समझ आ गई, जैसे कि यहाँ पर थी लास्ट केस में, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिफरेंट केसेस कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के लिए रेफ़र कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल पर ऐसी वीडियोस इजी में आपको प्रोवाइड की जाती हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस टॉपिक में हमने कमीशन के बारे में बात की, आने वाले टॉपिक्स में हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट में अपना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।